Hello my kids, welcome back. So now we are learning our third science chapter, which is air, water and weather. All right, so now we are learning about water already. Humne dew then frost fog iske bare mein padhai kiya. They are actually the different conditions that are happening due to the condensation. Okay, jo condensation ki wajah se ये कंडीशंस भी होते हैं, लाइक ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, रेन, हेल एंड स्नो. ओके, इसमें जो ड्यू, फ्रॉस्ट देन फॉग ये हमने डिस्कस किया. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट रेन देन हेल एंड स्नो. इसके बारे में हमने आज ही पढ़ाई करेगा. ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो कंडेंसेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. It is the process of changing water vapor into water. Okay, जो water vapor होता है it will get converted into or it will get changed into water. वो वापस पानी बन जाएगा by the process of cooling. उसको ठंडा किया तो वो water बन जाएगा. So this process is known as condensation. So ये condensation की वजह से हमको हमारे अर्थ में ये बर्फ़ देन बारिश देन फॉग ये सभी मिलते हैं. अगर कंडेंसेशन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं हो सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट रेन, बारिश. बारिश कैसे होते हैं? सो बारिश कैसे होते हैं? ड्यू टू द हीट ऑफ आवर सन. ओके, ड्यू टू द सनशाइन, सूरज की धूप की वजह से जो पानी सभी हमारा लेक से, हमारा रिवर्स से, ओशन से सभी गर्म हो के इट विल गेट इवाबरेटेड. वो पानी सभी वाटर वेपर का जैसे एटमोसफियर में जाएगा एंड इट विल फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. बाद में जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स इट विल जॉइन टुगेदर, ये सभी वाटर ड्रॉप्स एक साथ आएगा. देन इट विल फॉर्म क्लाउड्स, ऐसे बादल बनाता है, ऐसे बादल फॉर्म होते हैं. ओके, देन जब ये बादल में ठंडी हवा उसको स्ट्राइक करते हैं, मतलब उसको धक्का मारते हैं, वो टाइम क्या हो जाएगा, ये क्लाउड, ये वाटर वेपर सभी वापस कूल हो जाएगा. कूल हो गया तो क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू वाटर. ओके, जो वाटर वेपर को कूल किया तो वो वाटर बन जाएगा. वो हमने ऑलरेडी कंडेंसेशन प्रोसेस में पढ़ाई किया था. सो ये क्लाउड में जब ये कोल्ड एयर आके, मतलब ठंडी हवा आके उसको धक्का मारता है, सो ये वाटर वेपर इट विल गेट कोल्ड अगेन. सो इट विल चेंज इनटू वाटर एंड दैट इज हाउ रेन इज हैपनिंग. ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. इसको हमने प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं. So the next one that we are going to take a look, that is hail. इसको हमने hail कहते हैं. Hail कैसे form होते हैं? When this raindrops, it will pass through very cold air. जब ये raindrops बहुत ठंडी हवा में pass हो जाएगा, जो हमारा atmosphere में ठंडी हवा होते हैं उसमें से pass होने के time ये cold air की वजह से ये raindrops सभी freeze हो जाएगा. अंडरस्टूड, जो बारिश गिरने के टाइम बहुत ठंडी हवा हो गई तो, वेरी कोल्ड एयर हो गया तो, ये कोल्ड एयर की वजह से ये रेन ड्रॉप सभी फ्रीज हो जाएगा एंड इट विल बिकम आइस, इट विल बिकम आइस बॉल्स एंड दिस आइस बॉल्स आर रेफर्ड एज हेल. इसको हमने हेल कहते हैं. ओके, सो द लास्ट वन दैट इज स्नो. इट इज ऑल्सो a condition formed due to the condensation. So snow is formed when the water vapor it will get suddenly cold. Water vapor udhar freeze ho jayega. Okay, water vapor bahut jaldi bahut suddenly freeze ho jayega. So I say freeze hone ka time it will change into like tiny white flakes. Okay, so isko humne snow kehte hain. Understood? सो जब वाटर वेपर हमारा एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर
बहुत जल्दी फ्रीज होते हैं, बहुत जल्दी कोल्ड एयर में फ्रीज होते हैं, उसकी वजह से इट विल चेंज इट्स फॉर्म इनटू टाइनी वाइट फ्लेक्स, एंड दिस टाइनी वाइट फ्लेक्स आर कॉल्ड एज स्नो, इसको हमने स्नो कहते हैं और बर्फ कहते हैं. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू माई किड्स.